फ्रेंड्स आ गए एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम एक और नया टॉपिक के साथ आप लोग के साथ हाजिर हैं। आज हम आपसे बात करेंगे ऑल अबाउट अपराजिता नीलकंठ। अपराजिता के बारे में हम लोग आपसे आज बात करने वाले हैं, कैसी सॉइल चाहिए होता है, कैसा मौसम इसको पसंद है, कितना बड़ा पॉट चाहिए और कैसी खाद और कैसी थोड़ी केयर चाहिए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं पॉट साइज़ की। आप इसको छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हो, इस टाइप के आप पॉट्स में इसको लगाएंगे बहुत अच्छा चलता है, बहुत बढ़िया। लेकिन बस थोड़ा अंतर ये होगा कि इसके जो पत्तों का साइज़ होगा वो थोड़ा छोटा होगा और हेल्दी कम लगेगा। आप कोशिश कीजिए बड़ा सा बड़ा इसको पॉट दीजिए। सेकेंड नंबर पर हम आपसे बात करेंगे सॉइल की। सॉइल आप इसको कंपोस्ट अच्छी दीजिए। सॉइल आप इसको नॉर्मल जो आप अपनी गार्डन के लिए सभी प्लांट्स के लिए बनाते हो, थोड़ी सी हार्डी सॉइल हो, थोड़ी सी मुलायम जिसे हम कहते हैं बालू मिट्टी मिला करके वो, और इसकी कंपोस्ट की मात्रा आप अच्छी रखिए। देखिए कितनी सारी कंपोस्ट, ये सब ऊपर जो है कंपोस्ट है। थर्ड नंबर पर हम आपसे बात कर लेते हैं इसको बुशी कैसे रखना है। बुशी रखने के लिए ये जो ग्रोथ ऊपर हो रही है इसको, इसकी टिप को आप कट करते रहिए, ये आपका बुशी होता जाएगा। मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे देखिए टिप्स कट कर देते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर पे बात कर लेते हैं हम लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे लें। देखिए फ्लावरिंग लेने के लिए आप एक पहले एक इसका करेक्ट मौसम होता है उसी हिसाब से हमें फर्टिल भी इसको करना होता है। तो देखिए फर्टिलाइज़ करने के लिए इसको आप नॉर्मली इसको जो है गोबर खाद का पानी दीजिए और चावलों का पानी दीजिए। 15 डेज़ पे आप चेंज करते रहिए और साथ साथ इसको आप प्याज का पानी, ये तीन चीज़ दे दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। आप और अपनी जो भी नॉर्मल कंपोस्ट, जो भी वर्मी कंपोस्ट या कुछ भी, ये चीज़ आप यूज़ करिए। अब बात कर लेते इस पर कीट क्या लगता है। इस पर कोई भी पेस्ट का अटैक नहीं होता है। नॉर्मली जो एक कीड़ा छोटा सा होता है ब्लैक कलर का वो आ जाता है सिर्फ, उसके लिए नीम ऑयल स्प्रे एक बार कर दीजिए बस। आपको उस पर से बीज बनाना है तो आप फूल को ना तोड़ने से सूखन दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए हैवी फ्लावरिंग है, देखिए सभी पर अभी मेरे समय समय जो है अच्छी। इसको मौसम आप थोड़ा सा ठंडा मौसम चाहिए, सेप्टेम्बर का इसको मौसम फ्लावरिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सेप्टेम्बर के समय ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है नॉर्मली हमारे गार्डन में, और वैसे ये ज़मीन में लगा हुआ हो क्यारी में तो बहुत जल्दी फ्लावरिंग कर जाता है, लेकिन गमले में ये सेप्टेम्बर के आसपास ही करता है। तो मेरा सेप्टेम्बर में कर रहा है और देखिए कितना ही मेरा बुशी और कितना हेल्दी प्लांट है, कोई भी इसको जो है पेस्ट का अटैक नहीं है। और इसको वाटरिंग आप कम कीजिए, वाटरिंग की रिक्वायरमेंट इसको ज़्यादा नहीं रहती है, कम में ये चल जाता है। इसका हम सीड रेडी कर रहे हैं ये, और ये सीड से भी रेडी हो जाता है, इसकी कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। सॉफ्ट कटिंग ना ग्रो करें, हार्डवुड जहाँ पर इसकी बेल बहुत बड़ी हो रही हो किसी पार्क में या किसी के घर में क्यारी में, वो आप लीजिए। इस टाइप की हार्डी टाइप की टिम्बर आपको चाहिए इसकी। बस यही एक छोटी सी वीडियो थी, और आप इसको ट्रेलिस पर रखिए, ट्रेलिस पर लगाइए या मॉस स्टिक पर भी अच्छी चल जाती है। और इसकी जो बहुत औषधिक प्लांट है ये, इसकी चाय भी लोग बाग बहुत बनाते हैं, टी जिसकी बनती है, ब्लू टी जिसको हम बोलते हैं, बहुत औषधिक प्लांट है ये, इसको सुखा करके पाउडर बना के भी लोग यूज़ करते हैं। बस यही एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आप सब लोग को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।